हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आप देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो टिकटॉक पे जो समुद्र किनारे नाम लिखने वाले कुछ इस टाइप का वीडियो, तो आज हम इसी टाइप के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाले। आपको कहीं समुद्र के पास नहीं जाना होगा, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी इस टाइप के वीडियो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइन मास्टर, ड्यू रिकॉर्डर और एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सैलेंट, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैलेंट यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सैंड ड्रो। इसके बाद फर्स्ट वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इस डायरेक्ट इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद तो यहाँ पे आपको 3 फ्री मिल जाएगा। इसके बाद ये सारे आपको पैड वर्जन है, तो इसके लिए आपको अनलॉक करना होगा। तो सिंपल मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को आपको मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल तो देख सकते हैं पेंसिल का एक निशान है, पेंसिल के निशान पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है गुड बाय। इसके बाद वेब पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना आपको वेलकम 2020, सॉरी मैंने 2019 लिख दिया यहाँ पे, तो मैं सिंपल इसे बैक कर लेता हूँ। 2019 लिखा गया तो मैंने गलती से, तो 2020 में फिर से टाइप करता हूँ। तो वेलकम प्लीज। इसके बाद जो हमने ड्यू रिकॉर्डिंग चालू कर रखे हैं, इसे हमें स्टॉप कर देना है। इसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। इसके बाद जब ने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। तो वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो के लास्ट में आएंगे, वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रोटेट का, रोटेट पे क्लिक करेंगे। सिंपल इसे हमें इस तरह से रोटेट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रॉप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सिंपल इसको अब इस तरह से आपको जूम कर देना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा था वो आपको रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इक्वल पर क्लिक कर देना है। आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, क्योंकि लास्ट का पार्ट जो था कुछ हमारा एक्स्ट्रा लग रहा था। और इसके बाद अपने को क्या करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो सिंपल शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से हमें इसे दो बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से हमें 16 प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है, जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को आगे तरफ करना है। अब जैसे देख रहे हैं समुद्र की धारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो को आगे तरफ करेंगे। अब फिर से जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, हमारा इसमें कुछ जैसे कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, 2019 लिख दिया था। तो सिंपल आगे करेंगे इसको, जैसे हम वेलकम स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्लियर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। हमारा वीडियो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो वीडियो हमारा 32 सेकेंड के आसपास है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, यहाँ पर स्पीड हम इसे थोड़ा बढ़ा देंगे। सिंपल इसे भी रहने देते हैं। इसके बाद लास्ट का भी सीन का भी स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, इसे भी स्पीड हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो हमारा वीडियो जो है कुछ 22 से 23 सेकेंड का हो चुका है। तब हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको म्यूजिक ऐड करना था, सिंपल IDO पे आना है और यहाँ पे आपको जो भी म्यूजिक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है, बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं।
या फिर लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्राइक आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो में क्लिक करना, इसे आपको डिलीट कर लेना है। वीडियो में जो आपको ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा म्यूजिक जो है 15 सेकेंड के आसपास ही है, लेकिन यहाँ पे वीडियो जो है हमारा 22 सेकेंड के। तो आपको क्या करना, सिंपल वीडियो पे क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे आना है, इसे भी हम और थोड़ा फास्ट कर देंगे। इसको भी लास्ट वाले को भी थोड़ा हल्का मैं फास्ट कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में ला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बर सेंटर में आपका आ चुका है लगभग। आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और आपका वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।